आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। लखनऊ में हो रही प्रधान पंचायत अधिकार रैली में शामिल होने के लिए फतेहपुर से सैकड़ों प्रधानों का काफिला रवाना हुआ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नारा बुलंद करते हुए 73वें संविधान संशोधन के तहत मिले प्रधानों के अधिकारों का पूर्णतः लागू करने की बात कही। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले आज लखनऊ में प्रधान पंचायत अधिकार रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए जिले भर के 834 प्रधानों का काफिला प्रधान संघ जिला अध्यक्ष नजीमुद्दीन पप्पू और बहुआ विकास खंड प्रधान संघ अध्यक्ष हेमलता पटेल की अगुवाई में लखनऊ रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर लखनऊ बाईपास पर जिले भर के प्रधान एकत्रित होकर प्रधान एकता जिंदाबाद व हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते का नारा लगाते हुए प्रधानों में आंदोलन का जोश भरते नजर आए। क्या लगता है योगी सरकार में न्याय मिल पाएगा ग्राम प्रधानों को? अगर न्याय नहीं मिलता तो बराबर लड़ाई जारी रहेगी। ग्राम प्रधान घर में चुप बैठने वाले नहीं है। गांव में वो जनता के लिए हर सक्षम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। प्रधान अखिल भारतीय प्रधान संगठन लड़ाई लड़ेगा, बखूबी लड़ रहा है। हमारे फतेहपुर का जनपद का प्रधान एक एक प्रधान अपने गाँव से चल के लखनऊ के लिए तैयार है, वो जा रहा है। हमारे ऊपर अनर्गल प्रधानों के ऊपर थोपा जा रहा कि सामुदायिक शौचालय में जो है समूह में पैसा दे दिया जाए। अब समूह दूसरा संघ वो है और हम लोगों से पैसा जबरदस्ती दिलाया जाता है। कायाकल्प में शिक्षा विभाग का मामला है, लेकिन कहते हैं मेज खरीदिए, टाइल्स लगवाइए। ये गांव का पैसा है, ग्राम पंचायत की नाली खड़िंजे का पैसा है और इस पैसे का दूसरे विभाग में लगवाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। जिलाध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू ने कहा कि हम लोग प्रधानों को अधिकार दिलाने के लिए लखनऊ रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हम किसी के द्वारा रोकने पर रुकने वाले नहीं हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को मिले अधिकार दिए जाएं, जिससे प्रधान की अपनी ग्राम सभा में मुख्यमंत्री के तहत अधिकार संपन्न बन सके और गाँव के विकास में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सके। फतेहपुर से देवेंद्र पटेल की। आप